नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रोडियो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। बैनामे की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क को लेकर रजिस्ट्री ऑफिस स्टाफ व अधिवक्ताओं की हुई नोकझोंक। फिरोजाबाद जिले के शुकवाबाद में बैनामे की रजिस्ट्री पर आबादी भूमि के हिसाब से स्टाम्प लगाने को लेकर अधिवक्ता व रजिस्ट्री ऑफिस के बाबुओं में शनिवार को खूब तनातनी हो गई। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री ऑफिस का कार्य बहिष्कार कर दिया। बताते चले कि एक अधिवक्ता किसी भूमि का बैनामे में कृषि भूमि के हिसाब से बैनामे की रजिस्ट्री कराने के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचे, जहां उपस्थित बाबू आरिफ मोहम्मद व राजीव दिवाकर ने बैनामे पर आबादी भूमि के हिसाब से स्टाम्प शुल्क लगाने के लिए अधिवक्ता से कहा। इन दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क दिए। कोई भी पक्ष एक दूसरे की बात से सहमत नहीं हुए। इस दौरान तहसील के अधिवक्ताओं के दोनों गुटों के अध्यक्ष व महासचिव के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने नारेबाजी कर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्ट्री कार्य का बहिष्कार कर दिया। इस संबंध में सब रजिस्ट्रार कार्यालय के बाबू आरिफ मोहम्मद व राजीव दिवाकर का कहना है कि जिस बैनामे की वकील साहब रजिस्ट्री करा रहे थे, उस पर स्टाम्प कृषि भूमि के हिसाब से लगा था, जबकि उनको स्टाम्प आबादी भूमि के हिसाब से लगाना चाहिए था, फिर भी उस बैनामे की रजिस्ट्री हो गई। हमारी तरफ से कोई विवाद नहीं है। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। किस तरीके का आपको प्रदर्शन है? देखिए, हड़ताल जब कोई कानून के विरोध में कोई कार्य होता है तो वकील या बादखारी दोनों को परेशानी होती है। जब एक कोई बड़ा खातेदार है, उसमें चार हिस्सेदार हैं, तो जब एक ने जो बिक्री किया है उसमें अगर कोई दोबारा मतलब उसमें प्लॉटिंग कर दी और उसके अलावा कोई दूसरे हिस्सेदार ने एक भी प्लॉट नहीं बेचा, तो उसमें आपका कानून नहीं बनता है। इसलिए आप इलीगल कार्य कर रहे हैं, इस पर अधिवक्ता नाराज हो गए और इस नाराजगी से हड़ताल जारी है, क्योंकि कानून की वैधता में ही काम करना चाहिए, ये बर्दाश्त नहीं है, इसलिए हड़ताल जारी है। अब इसको लेके किस तरह का आपका आप लोगों का वो है प्रदर्शन? आज रजिस्ट्री ऑफिस में जो वकीलों ने विरोध किया, उसके पीछे रजिस्ट्री ऑफिस के जो रजिस्ट्रार हैं या उनका स्टाफ है, उनकी भाषा शैली, उनकी कार्य शैली और भ्रष्टाचार, ऑफिस में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके खिलाफ जब सीमा खत्म हो गई, तब वकीलों को रजिस्ट्री ऑफिस के में विरोध करना पड़ा। हर फाइल में टेक्निकल गलतियां निकाल के एक ही जगह पे 1,00,000 रुपया, 50,000 रुपया, 60,000 रुपया काश्तकार से लिया जाता है। आप वकील आपके लिए वसूली करे, बैंक अपने मुवक्किल से आपको 1,00,000 रुपया दिलवाए, वहाँ वकीलों की भीड़ खराब होती है। काश्तकार तो ये समझता है कि वकील ने पैसा लिया और पैसा आपकी पॉकेट में जा रहा है, इसलिए वकीलों को आज उसका विरोध करना पड़ा। भ्रष्टाचार, सरकार कहती है भ्रष्टाचार मुक्त शासन है, यहाँ भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं खत्म हो रही हैं। जब पानी सिर के ऊपर निकल जाता है तो वकीलों को फिर आगे आना पड़ता है। कई बार रजिस्ट्री ऑफिस का विरोध हुआ है, कई अधिकारियों के सामने विरोध हुआ है, उसी कड़ी में आज हम लोगों को करना पड़ा है। हमारा अपना कोई व्यक्तिगत न तो हमारा हित है, न कोई नुकसान है। नुकसान तो